ओके क्लास 10 मैथमेटिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2। तो देखिए क्या है इसमें, उस एपी का 31वां पद ज्ञात है। क्या करना है, 31वां पद है एन की वैल्यू देखिए आपके पास 31, जिसका देखो ध्यान देंगे जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 रहेगा। ठीक है, तो ये 1 11 38 और 1 16 73, इससे अपन समीकरण बना लेंगे। क्या बना लेंगे, समीकरण। तो देखिए कैसे, 11वां पद क्या लिखेंगे, 11वां पद 38, तो देखो इसका मतलब है 1 11 38। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, इसी में रखेंगे। अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कुछ नहीं है, तो ए से कैसे, ए प्लस 11 माइनस 1 डी बराबर 38। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, ए 10 डी बराबर 38, यह आपका समीकरण एक। इसी टाइप से समीकरण दो किससे बना लेंगे, इससे ए 16 से, इससे समीकरण दो बना लेंगे। देखो 16वां पद क्या है, 73, तो देखो क्या लिखेंगे, ए 16 73, वो फॉर्मूला ए प्लस 16 माइनस 1 डी बराबर 73, सॉल्व कर दो, ए प्लस 15 डी बराबर 73, यह आ गया समीकरण दो। अब समीकरण एक में दो को हल करने पर, तो जो वैल्यू बड़ी होगी उसको पहले लिख देंगे, तो समीकरण दो को पहले लिख देंगे और एक को बाद में लिख देंगे। तो ध्यान से लेंगे, ए 15 डी 73 दो, ए किसके नीचे लिख दो, ए प्लस 10 डी बराबर 38। अब इसमें हम जोड़ या घटाने की क्रिया करते हैं, तो अभी कौन सी क्रिया करेंगे, तो वो एक चिन्ह है इसलिए घटाने पर, तो घटाने पर घटाने की क्रिया कर रहे हैं। तो ये साइन चेंज माइनस माइनस माइनस, ये तो क्या हो गया, कर लिया 15 में से 10 गया तो ये कितना बचा 5 डी, ऐसे 73 में से 38 घटाएंगे कितना बचेगा, कितना बचेगा देखो, 13 में से गया तो यहाँ 5 और यहाँ पे 6 में से गया तो 3 35 बचेगा। अब ये 5 के नीचे चले जाएगा तो क्या बनेगा, d बराबर 35/5, तो इसको भाग लगा देंगे कितना बचेगा, 7 5 35, d का मान आ गया। वापस ध्यान देंगे इस पे, तो सॉल्यूशन पे समीकरण एक पे दो को हल कर रहे हैं, कौन सी क्रिया घटाने की, चिन्ह चेंज हो गए, ये क्या हो गया, कर लिया 15 में से 10 गया 5 डी, 73 में से 38 गया कितना बचा 35, और ये 5 इसके नीचे चले जाएगा वो चले गया और ये जा गया। अब इसका मान समीकरण एक में रख देंगे, यानी कि समीकरण एक से, एक क्या है, ए प्लस 10 डी बराबर 38। ठीक है, पुट वैल्यू, वैल्यू पुट करेंगे, ए 10 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 38, सॉल्व करो क्या आएगा, ए प्लस 10 7 70 38, इसको इधर क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो क्या बनेगा, ए इक्वल टू 38 माइनस 70। अब देखो कौन सी वैल्यू बड़ी है, माइनस की बड़ी तो माइनस आएगा, 70 में से 38 गया तो कितने बचे, कितने बचे 32, ये ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, क्या करना है 31 वापस, तो यहाँ पे देखो लिख देंगे हम, ए की वैल्यू क्या है, क्या है ए की वैल्यू, माइनस 32, डी की वैल्यू क्या है 7, फिर एन की वैल्यू कितनी हो गई 31, वही फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई पुट वैल्यू, वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू क्या है 32 प्लस एन की वैल्यू क्या है 31 माइनस वन मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 7, सॉल्व कर दो, 32 प्लस कितना बचेगा 13 मल्टीप्लाई 7, इसको सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे ना, तो 32 प्लस 721 210 और 210 में से जाएगा कितना बचेगा 178, और ये क्या होगा इसका आंसर।